नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार सस्पेंस रहा है और इस बात को लेकर भी सस्पेंस रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के किन बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिहार में सरकार गठन के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई मंत्रियों ने शपथ ली तो एक तरह का सरप्राइज देखने को मिला, क्योंकि न तो उसमें प्रेम कुमार का नाम शामिल था, न तो उनमें नंद किशोर यादव का नाम शामिल था। और ये लोग रेस में थे और कई सरकारों में, बिहार की कई सरकारों में मंत्री रहे हैं, लंबे वक्त से मंत्री रहते आ रहे हैं, तो बड़ा सरप्राइज था। अब एक बार फिर इन लोगों के नाम की चर्चा थी कि ये लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं नीतीश कैबिनेट का अगला विस्तार अगर होता है तो। लेकिन मंत्रिमंडल के दरवाजे बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं के लिए बंद हो गए हैं। अब इन नेताओं के मंत्री बनने की संभावना खत्म हो गई है। विधानसभा की कई समितियां होती हैं जिनमें इनको जगह दी गई है। विधानसभा की कई समितियों के अध्यक्ष बने हैं जेडीयू बीजेपी के कई बड़े नेता, और जाहिर है विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष बने हैं तो मंत्री पद अब नहीं मिलेगा, मंत्री नहीं बन पाएंगे। आपको बता देते हैं कुछ नाम हैं जो जेडीयू बीजेपी के बड़े चेहरे हैं जिनके बारे में ये चर्चा थी कि वे मंत्री बनेंगे, क्योंकि वे अपनी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी में उनका काफी रसूख है और वो मंत्री रहे भी हैं। नंद किशोर यादव, डॉक्टर प्रेम कुमार, राम नारायण मंडल, विनोद नारायण झा, नरेंद्र नारायण यादव, हरि नारायण सिंह, दामोदर रावत को विधानसभा समिति का सभापति बनाया गया है, और जाहिर है इसकी वजह से मंत्रिमंडल के दरवाजे इनके लिए बंद हो गए हैं। ये मंत्री अब नहीं बन पाएंगे। विधानसभा की जो समितियां हैं उनका ऐलान हुआ है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष राम प्रवेश राय बने हैं, भाजपा कोटे से आते हैं। महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष बनी है अरुणा देवी, बीजेपी से आती हैं। कृषि उद्योग विकास कृष्ण कुमार ऋषि, भाजपा कोटे से आते हैं। प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के अध्यक्ष बने हैं अमरेंद्र कुमार पांडे, जेडीयू से आते हैं। गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प तेज प्रताप यादव आरजेडी से आते हैं। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष बने हैं सुदामा प्रसाद, माले से आते हैं। पर्यटन उद्योग संबंधी अनीता देवी आरजेडी से आती हैं। आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समीम अहमद राजद से आते हैं। सुनकाल चंद्रहास चौपाल आरजेडी से आते हैं। अल्पसंख्यक अफाक आल कांग्रेस से आते हैं। आवास शशिभूषण हजारी जेडीयू से आते हैं। और इसी तरह विधानसभा की दूसरी समितियों में जगह मिली है नरेंद्र नारायण यादव, प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव ये विधानसभा की दूसरी समितियों के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर है बिहार के राजनीतिक गलियारों से, कैबिनेट का विस्तार कब होगा इसको लेकर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जो कई चेहरे थे, जो कई नाम थे जिनको लेकर सस्पेंस था, वो खत्म हो गया है। अब न तो प्रेम कुमार मंत्री बनाए जा सकते हैं, न ही नंद किशोर यादव मंत्री बनेंगे, न ही नारायण यादव मंत्री बनेंगे, न ही राम नारायण मंडल बनेंगे। पिछली सरकारों में ये मंत्री रहे हैं लेकिन अब उनके मंत्री बनने की संभावना इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि विधानसभा की कई समितियों में इनको अध्यक्ष बनाया गया है, विधानसभा की समितियों में इनको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।